चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी द्वारा इन दिनों चंबा मेडिकल कॉलेज में 3 दिवसीय हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का शुभारंभ उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन द्वारा किया गया। इस दौरान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव मरवाह द्वारा अपनी टीम के साथ लोगों के हृदय रोग से संबंधित रोगों की जांच की जा रही है। 26 सितंबर से शुरू हुआ यह निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर 28 सितंबर तक चलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मेडिकल कॉलेज में मैं प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मरवाहा और चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के जो सभी सदस्य अध्यक्ष हैं मौजूद हैं उनके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होने में जो जांच शिविर 3 दिन का कार्डियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके सहयोग से इनके लगाया जा रहा है ये चंबा के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक विशेषज्ञ इस फील्ड के नहीं है तो डॉक्टर साहब के कॉन्ट्रीब्यूशन से सोसाइटी के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान पेशेंट्स के लिए हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचाएँ कि ये आज से लेके परसों तक 3 दिन के लिए यानी कि 26 से लेके 28 तारीख तक ये कैंप मेडिकल कॉलेज के परिसर में लगा हुआ है। ज़रूर यहाँ पे अगर आपकी कोई ऐसी दिक्कत है स्वास्थ्य संबंधी तो डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलें इनकी टीम से ज़रूर मिलें ताकि आपको वो सही दिशा में इलाज आपका ले जा पाए। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सोसाइटी को और डॉक्टर साहब को प्रिंसिपल साहब को जिन्होंने सबने आपसी सहयोग से एक अच्छा कार्य 2015 वर्ष से करते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये कार्य अच्छा पॉजिटिव कार्य करते रहेंगे चंबा के लोग। सर प्रशासन व सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हैं कब तक यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो मेडिकल कॉलेज में है ये मैं ज़रूर जो इश्यूज हैं मैं स्वास्थ्य विभाग के साथ रखूँगा ताकि जल्द से जल्द इसका समाधान। आज हमारा हार्ट केयर कैंप की ओपनिंग में डीसी चंबा ने ओपनिंग की है और आज से हमारा 26 तारीख से हृदय रोग जो जांच शिविर है वो स्टार्ट हो गया है और काफ़ी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं अपना चेकअप करवाने के लिए और ये कैंप पिछले 7 साल से कंटिन्यू लग रहा है। 2015 में इस हार्ट केयर कैंप की शुरुआत हुई थी और बीच में 1 साल का कोरोना काल में जब एक साल का गैप रहा बाकी 7 साल से कंटिन्यू कैंप लग रहा है और काफ़ी पेशेंट लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों की जांच इस हार्ट केयर कैंप द्वारा पिछले 7 सालों में की गई है और काफ़ी लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस जांच शिविर कैंप में जो पेशेंट आते हैं जो हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है उनको आगे शिमला में भी ले जाके फॉलोअप में जो भी एंजियोग्राफी या कोई किसी के स्टंटिंग होनी है किसी के एंजियोग्राफी के बाद किसी का मेजर ऑपरेशन होते हैं कोई बड़ी सर्जरी 3-4 सर्जरियाँ ऐसी हुई हैं जो डेथ बेड से लोग वापस आए हैं उसमें हमारा एक वॉलंटियर इस रोल से भी था उसका नाम नीरज था और उसने उसका मेजर सर्जरी हुई थी उसकी वजह से उसका वो 3 साल और जिया उसके बाद पर कुछ कमियाँ थी उसमें थोड़ा अल्कोहलिक था तो वो उसने अपनी आदतें छोड़ी नहीं और 3 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। और भी कई बच्चे जो इधर से हमारे कैंप के दौरान
जिनको प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और हमने उनका इलाज कराया। कई बच्चे ऐसे थे जिनके हार्ट में छेद था, वो हमने इधर से कैंप के दौरान हमें पता चला, फिर शिमला में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वो शिमला आए और उनका जो गरीब परिवार से संबंध रखती थी एक लड़की, एक चुवाड़ी से थी, एक मैला से ऊपर एक गांव है उधर से थी एक लड़की, जो जिनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ और उनके हार्ट में जो छेद थे उनको डिवाइस लगा के बंद करके और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है इस हार्ट कैंप से, जो हमारे रूटीन के जो फॉलोअप में आते हैं पेशेंट, वो उनको इधर ही अपना चंबा में ही उनको डॉक्टर राजीव मरवा देखते हैं और फर्दर जो भी दवाइयाँ दुइयाँ इधर से ही मिल जाती हैं। काफ़ी पेशेंट 250 से 300 पेशेंट रेगुलरली शिमला आते जाते रहते हैं और साल में एक बार कैंप लगाते हैं हम इसलिए लगाते हैं कि चंबा में जो भी इस बीमारी से ग्रस्त लोग हैं और जो नए लोग जिनको अवेयरनेस के लिए भी ये कैंप हमारा काफ़ी फ़ायदा इस कैंप से पहुंचता है। अवेयरनेस होनी चाहिए तभी इस हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है और लोगों को अवेयर होना चाहिए और हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी अपना एक्सरसाइज वगैरह करें, उसी से हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है।